हाय नमस्कार मैं जॉर्ज इब्राहिम आईवे कॉन्वर्सेशन में आपका स्वागत है आज हमारा मेहमान एक खास मित्र है प्रीति मोंगा नमस्कार वेलकम प्रीति नमस्कार जॉर्ज सर कैसे हैं आप बहुत बढ़िया <laughs> बढ़िया बढ़िया और सबका स्वागत भी करती हूँ आपके साथ-साथ ब्लाइंड वुमेन हैव बीन अ प्रायोरिटी फॉर यू आप बिल्कुल, बिल्कुल ब्लाइंड महिलाओं पे फोकस किए हैं बिल्कुल और तो आपका मूल कंसर्न्स क्या है जब ब्लाइंड महिलाओं की बात होती है क्योंकि मैं खुद एक ब्लाइंड महिला पहले एक ब्लाइंड लड़की थी फिर खुद महिला बन गई और जो कुछ मैंने खुद की जिंदगी में खुद के जीवन में मैंने महसूस किया उसके थ्रू मैं गई उसके मतलब चैलेंजेस जो मेरे को आए तो उसमें से बहुत सारे ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के जीवन में बहुत ज्यादा हैं मैंने बहुत सारी ब्लाइंड लड़कियों के साथ काम किया नाइनटीन एटी सेवन से आ, मैं जुड़ी हुई हूँ इस फील्ड से तो बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारी महिलाओं के साथ मैंने आ, काम किया उनको जानने का मेरे को मौका मिला तो मुझे और प्लस मैंने रूरल एरियाज में जाके भी बहुत सारी महिलाओं से मुलाकात करी खुद पर्सनली जाके तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा कि इनको सिर्फ इनके जैसी ही समझ सकती है और इनके जैसी ही इनके लिए खड़ी होकर लड़ सकती है तो मैंने उस टाइम से मैंने ये मन बना लिया कि मैं महिलाओं के लिए अपनी आवाज आगे करूंगी जब तो, आप समस्याओं का जिक्र करते हैं तो अगर आपको दो तीन स्पेसिफिक समस्याओं पे बात करना हो या जिक्र करना हो तो वो कौन से होंगे सबसे पहली बात तो महिला होना ही हिंदुस्तान में एक समस्या है आप आ, आपके आप आपके जन्म जन्म पे अगर लड़की के रूप में लेती हैं तो आपके लिए उतने बड़े बड़े ढोल नहीं बजते जितने अगर आप लड़का होती तो बजते तो वहीं से आपको आ, इंडिकेशन मिल जाता है कि आप लड़की होके पैदा हो गई ऊपर से वो महिला या वो लड़की अः दृष्टिबाधित भी है ब्लाइंड भी है तो आ, आप सोच सकते हैं कि उसके लिए तो जीवन का जीवन का शुरुआत होने से पहले ही वो खत्म है वहां पे क्योंकि पहली बात जो होती है जैसे ही लड़की पैदा होती है तो ये नहीं सोचा जाता कि इसको हम ये डॉक्टर बनेगी नहीं तो ये हमारे वंश को आगे चलाएगी ये कुछ करेगी हमारा सहारा बनेगी पहली चीज ये होती है अब इसकी शादी कैसे होगी एक तो ये ठीक है और ब्लाइंड लड़की की तो शादी होती ही नहीं है अगर होती भी है तो उसमें इतने ज्यादा हो जाते हैं कि यू नो you know, मैं तो ये भी आ, कहना चाहूंगी कि ब्लाइंड लड़के भी ब्लाइंड लड़कियों से शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको साइटेड लड़कियां चाहिए तो आ, पार्टनर नहीं चाहिए उनको तो ये ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो इसके लिए इसके कारण से अः बहुत बच्चियों को पहले तो लोग बताते ही नहीं कि हमारे घर में ब्लाइंड लड़की है उसके आगे चल के जो होता है आप देखेंगे स्कूलों की जो ब्लाइंड स्कूल है हमारे देश में बहुत हैं लेकिन उनमें लड़कियों के लिए उस तादाद में नहीं है जितना लड़कों के लिए है ठीक है तो उनकी एजुकेशन के लिए भी कोई कहीं नहीं जाता है अगर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि लड़की जात है कैसे हम कहीं कैसे छोड़ आए तो जब हम उनको समझाते हैं कि भाई आज तो लड़की जात है बड़ी होके कौन इसका ध्यान रखेंगे नहीं कोई तो कर लेगा और जब वो कोई कर लेगा ऐसी भी ऐसी भी महिलाओं मैंने देखी है कि जो बचपन से ब्लाइंड है और जब बीस बाईस साल की हो गई है तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है अब पेरेंट्स तो माता पिता तो हो गए बूढ़े कितना करेंगे वो जी. तो जो बाकी रिश्तेदार है वो भी उसको किसी तरह से उसको गले से उतारने का वो करते हैं तो लड़की को एम्पावर करना एक बहुत बड़ी बात नहीं है और फिर शोषण तो होता ही है आ, घर से लेके बाहर तक लड़की का शोषण होता है तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम महिला को लड़की को शुरू से आ, उसको एम्पावर करें उसको हम सिखाएं पढ़ाएं अपने पैरों पे खड़ी करने की कोशिश मौका तो दें तो हो सकता है इन चीजों में थोड़ी कमी हो इफ यू नो ऑफ एनी वन विद हु नीड्स गाइडेंस ऑन लिविंग लाइफ विद ब्लाइंडनेस प्लीज शेयर दी आई वे नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर वन एट जीरो जीरो फाइव थ्री टू जीरो फोर सिक्स नाइन द नंबर इज वन एट जीरो जीरो फाइव थ्री टू जीरो आपने एक संस्था शुरू किया है एक स्कूल जैसा <laughs> संस्था शुरू किया है शिक्षा शिक्षा <laughs> के नाम पे आपका जो सिल्वर लाइनिंग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत okay, 1987 से मैंने फॉर द ब्लाइंड दिल्ली सेक्टर पांच आर के पुरम से मैंने वॉलेंटियर करना शुरू किया था uh, तो वहां से देखते हुए चलते हुए तो मैंने बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम किया है एज अ वॉलेंटियर तो वॉलेंटियर करते करते मुझे ऐसा लगा कि एजुकेशन में तो बहुत लोग हैं ये। लेकिन लेकिन ये एजुकेट होके सब एक ही चीज को uh, सपना लेते हैं कि हम uh, gar, uh, मतलब गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन है वो मिल जाएगी लेकिन लेकिन मुश्किल ये है ना कि रिजर्वेशन कुछ ही लोगों को मिल सकती है और उस समय पे कॉरपोरेट्स भी आने शुरू 87 सेवन से थोड़ा सा पहले से ही कॉरपोरेट्स ने आना बड़े तरीके से आना शुरू किया हिंदुस्तान में तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हमें इधर भी तो मौका मिल सकता है इधर क्यों नहीं कोई मौका देता तो मैंने इसीलिए वो मौका ढूंढने की कोशिश करी और वहां पे मैं लगभग साढ़े चार सौ पांच सौ में मैंने खुद पर्सनली जाके विजिट किया तो मुझे एक ही चीज बोली जाती थी कि मैडम दूसरे डिसेबिलिटी आप ले आइए उनको हम रख लेंगे ब्लाइंड हम नहीं रखेंगे मेरे कोई मेरे मुंह पे बोलते थे तो मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने बहुत लोगों से लड़ाई करके मैंने कुछ लोगों ने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है हमें ये मैनेजर चाहिए हमें वो पर्सन चाहिए हम आप इसको लिए मतलब आप पोजिशन देने लगे फिर उसके बाद मैंने कैंडिडेट्स ढूंढने शुरू करे मैंने उम्मीदवार ढूंढने शुरू करे तो उन उम्मीदवारों को मैं ही बात करके उनसे मिलके मुझे ही ऐसा लगा कि मैं इनको भेजू कैसे क्या कह के बोलू भेजू कॉर्पोरेट में जाइए तो फिर वापस मैंने अपने एक्सपीरियंस को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन हम दे रहे हैं बच्चों को ठीक है हम देते हुए आ रहे हैं एजुकेशन लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी हैं अपनी दुनिया को जानना समाज के साथ उठना बैठना अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाना अपने पूरी इंडिपेंडेंस से हम जिंदगी कैसे जी सकें और वो कॉन्फिडेंस वो है ही नहीं कहीं मिला ही नहीं मुझे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और फिर अश्विनी जी मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि मैं ठीक है मैं अपना काम छोड़ता हूँ क्योंकि अकेली तुम नहीं कर पाओगी तो हम दो बच्चे पढ़ाएंगे चार बच्चे पढ़ाएंगे लेकिन हम वो करेंगे जो तुम तुम्हें लगता है तुम्हें करना है तो हमने ये 2017 में प्रोजेक्ट शिक्षा नाम से सिल्वर लाइनिंग्स के आ, अंतर्गत मयूर विहार फेज थ्री में इसकी शुरुआत करी एक छोटे से कमरे से अपनी ही जेब से तो आज आज वो बच्ची जिसको हम जो हमारी फर्स्ट स्टूडेंट थी आ, वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची वो आज ट्वेंटी थ्री में उसने दो हजार तेईस में उसने सीबीएसई का एग्जाम दिया और वो भी लैपटॉप पे सलवान पब्लिक स्कूल में पढ़ती है

ब्लाइंड लड़कियां पढ़ते हैं और जी नहीं जी नहीं हमारे हॉस्टल में ब्लाइंड लड़कियां हैं जी अब छोटे छोटे जो ब्लाइंड लड़के आते हैं क्योंकि हमारे पास अः साधन बहुत कम है हमारे पास जगह बहुत कम है अः मेरे को लड़कों से कोई दुश्मनी नहीं है तो छोटे बच्चे लड़के आते हैं तो हम उनको डे स्कॉलर्स अगर वो दिल्ली में ही आस पास है उनके पेरेंट्स उनको ला सकते हैं तो उनको भी पढ़ाते हैं हमारे पास है कुछ लड़के भी ठीक है लेकिन हॉस्टल में सिर्फ लड़कियां हैं हाँ मेजोरिटी हम लड़कियों के साथ काम करते हैं

रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन दिलाते हैं जिसको प्राइवेट में मिल गया प्राइवेट में कराते हैं गवर्नमेंट में मिल गया में कराते हैं प्रेपरेटरी हाँ स्कूल दोनों बड़े शब्द हैं बड़े शब्द हैं इसका थोड़ा खुलासा थोड़ा करेंगे बिल्कुल प्रेपरेटरी uh, हम इसलिए कहते हैं हमारे पास जो भी ब्लाइंड बच्ची आती है या आप बच्चे भी लड़का भी आता है कोई भी ब्लाइंड आते हैं तो उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती उनको कोशिश हमारी है कि हम छोटे बच्चों के साथ काम करें हमने बड़ों के साथ भी काम किया लेकिन अब जब भी नया कुछ शुरुआत होती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैं ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि साधन होना चाहिए तो फिर तो आप सबको करा सकते हो तो तब हम छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं तो इनको तैयार करते हैं इनको आ, कैसे उठना बैठना पूरी इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल सिखाते हैं सब कुछ कराते हैं टेक्नोलॉजी कराते हैं ब्रेल ये सब कुछ सिखाते हैं यहाँ पे प्लस इनको एकेडमिक्स जो उनकी उम्र के हिसाब से हम उनको एकेडमिक्स में उनकी पढ़ाई लिखाई भी कराते हैं एक बार हमें लगता है कि बच्चा उस लायक हो गया कि हम इसको स्कूल में एडमिशन करा दें तो उसी वक्त उसकी एडमिशन करा दी जाती है रिसोर्स सेंटर हम इसलिए बोलते हैं एक तो हम यहाँ पे हर बच्चे को वो तीन साल का है या तीन साल की है Uh, साथ साथ ब्रेल के साथ साथ उसको कीबोर्ड पे सीधा डालते हैं कि ये लैपटॉप है आपने इसको इस तरह से चलाना है तो वो सब साथ साथ करते हैं प्लस फिर आफ्टर स्कूल सपोर्ट भी हम देते हैं बच्चे स्कूल से वापस आते हैं स्कूल को सपोर्ट करते हैं uh, हम uh, बच्चों का होमवर्क एक्स्ट्रा स्टडीज बाकी जो कुछ भी एक्टिविटीज हैं वो सब कराते हैं बच्चों को और uh, स्कूल्स को हम सपोर्ट करते हैं जैसे बच्चे अगर स्कूल में ब्रेल में अपना पेपर लिख के गवर्नमेंट स्कूल में तो हम लैपटॉप नहीं भेज सकते हैं तो अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो वो ब्रेल में अपना क्वेश्चन आंसर्स लिख के लाते हैं जो भी लिख के लाते हैं तो वो वापस आके अगर वो छोटे हैं तो हमारी टीचर्स उन उसके ऊपर पेन से लिखती हैं ताकि वो अगले दिन टीचर्स देख सकें करेक्ट कर सकें कि बच्चे ने क्या काम किया था और टीचर्स स्कूल की टीचर्स वो देख सके और अगर वो लैपटॉप वाले बच्चे हैं तो वो लैपटॉप पे ही अपने क्लास वर्क और होमवर्क करते हैं और उनको भी जो एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए एक्स्ट्रा स्टडीज का वो हम लोग देते हैं उनका आना जाना जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं उनका तो टोटल जिम्मेदारी हमारे पास है हाल ही में आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया चंडीगढ़ में वो भी एक स्कूल टाइप का रिसोर्स सेंटर और प्रिपरेटरी सेंटर है या वहाँ पर कुछ और होता है तो हमने जो शुरुआत करी है वो अभी हम टेक्नोलॉजी सिखाने से स्टार्ट करी है हमने कि हम कंप्यूटर्स फोन्स आ, ये टेक्नोलॉजी की यूसेज सिखाएंगे ब्लाइंड बच्चों से लेके बड़े यूथ को प्लस जो लेट ब्लाइंड हैं जिनको भी जरूरत होगी वहां पे लेकिन मकसद फाइनली यही है कि चंडीगढ़ में भी सिमिलर प्रेपरेटरी स्कूल रिसोर्स सेंटर सेटअप होएगा To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. आपका एक कार्यक्रम है फ्यूजन जो आपने कुछ साल पहले शुरू किया था जी ये फ्यूजन क्या है और आ, और और फ्यूजन के अंतर्गत आप क्या करना चाहते हैं जब से मैंने काम करना शुरू किया है तो मैंने देखा कि समाज में जितने भी हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं बच्चे हैं जो भी है उनका सम्मेलन उनका मेनस्ट्रीमिंग नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं हम घरों में भी आ, अलग रह जा, मतलब अलग पड़ जाते हैं और समाज में तो बिल्कुल ही अलग पड़ जाते हैं इसके कारण आ, ना तो आम जनता जो देखने वाली जनता है साइटेड जनता को हमारे बारे कुछ पता है ना हमें उनके बारे पता है ना हमें उसकी दुनिया के बारे पता है तो एक बहुत बड़ा असमंजस में रहती है दुनिया के इनसे कैसे बात करें और हमें भी लगता है कि वो तो साइटेड हैं वो तो पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी चलाते हैं तो इस चीज के लिए हमने दो में शुरुआत करी थी इसकी मेरे घर से ही करी थी तो हमने अबाउट पंद्रह सोलह लोग बुलाए थे विजुअली इम्पेयड लोग बुलाए थे और उसके साथ हमने साइटेड uh, लोग भी बुलाए थे और वहाँ से ये शुरुआत हुई फिर वहाँ से हम लोग uh, चार साल के लिए तो हम ऑन ग्राउंड मीट्स कर रहे थे तो वहीं से हमारी दूसरी वाली मीट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई थी तो हम सब ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा विजुअली इम्पेयड को क्या ड्रीम uh, है तो सब ने कहा कि ट्रैवल करना तो वहां से फिर वो ट्रैवल का शुरुआत हुई और 2014 में हमारा पहला ट्रिप गया था इंक्लूसिव ट्रिप छोटा सा ही है अगेन छोटा छोटा काम करते हैं बहुत बड़ा काम तो नहीं करते हैं लेकिन उससे मैं एक चीज़ जरूर बताना चाहूंगी वो हमारा पहला ट्रिप था हम लोग ट्रेन में गए थे लगभग ग्यारह लोग गए थे सिर्फ क्योंकि हिम्मत भी करनी होती है और एकदम नया एक चीज़ थी लड़कियां भी और ज़्यादातर उसमें लड़कियां थी मेजोरिटी uh, लड़कियां थी <laughs> <गे>। <laughs> लड़के भी थे Uh, उससे ये ये फायदा हुआ कि आज आप नोट करेंगे कि हर कोने में हिंदुस्तान के विजुअली इम्पेयर ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं वही चाहती थी कि हम एक चिंगारी डाल दें बाकी तो फिर आग पकड़ी लेगी और ऐसा ही हुआ तो अभी हम लोग एक नौ ट्रिप्स ले जा चुके हैं साल में एक एक साल में दो लेके गए थे इस साल भी हम कल जा रहे हैं राइट right, सो so, जब आप ऐसे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर ब्लाइंड भी हैं ब्लाइंड लड़के भी हैं और साइटेड लोग भी हैं इस इसको मद्देनजर रखते हुए आपको कोई खास प्रेपरेशन करना होता है कुछ खास प्लानिंग करना पड़ता है हाँ जी बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीजें हम देख के मतलब हमें देखनी पड़ती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटली सब, ये सब्सिडाइज ट्रिप होता है हम इसको फ्री नहीं लेके जाते हैं ठीक है हाँ वो आ, वैसी प्रथा रखी नहीं ताकि सब लोग डिग्निटी से जाए राइट इवन ब्लाइंड भी हैं उनको भी आ, एक सर्टेन अमाउंट उनको देना होता है ठीक है और हम कोशिश ये करते हैं कि सबको ऑफ कोर्स जब ट्रैवल करना है क्या लेके जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है और वॉलेंटियर्स को हम लोग ओरिएंटेशन देते हैं आ, एक दो तीन दिन पहले जो volunteers हमारे फिक्स हो जाते हैं कि ये लोग हमारे साथ वॉल्टियर करेंगे साइटेड तो उनको ओरिएंटेशन देती हूँ मैं ही देती हूँ कि आपने आपने चिंता नहीं करनी है हम आपकी मतलब आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे बट दिस इज हाउ आपने हमारे हमारे साथ रहना है और जहाँ हम प्रॉब्लम में आते हैं और वहां पे आपने हमारी हेल्प करनी है और एटीट्यूड बिल्कुल दोस्तों की तरह रखना है फ्रेंडशिप का एटीट्यूड रखना है और सर uh, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब चलते हैं तो हर एक के मन में थोड़ी दुख दुखी होती है कि कैसा होगा क्या होगा पता नहीं कैसा होगा लेकिन जब जैसे ही ट्रिप चलता है और जब वापस लौट के आता है तो ठीक है विजुअली इंपेयर में तो कॉन्फिडेंस ऐसे ठूस ठूस के भर जाता है कि मुझे मना करना पड़ता है कि नेक्स्ट टाइम आपको नहीं किसी और को मौका देंगे क्योंकि एक ही तो ट्रिप जा रहा है हमारा जी बट जो वॉलंटियर्स होते हैं ना उनकी लाइफ में

और इसमें हम कोशिश करते रहते हैं कि साइटेड महिलाएं भी आए बिकॉज़ बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लाइंड ब्लाइंड को कई बार होता है कि हमें साइटेड हेल्प भी चाहिए होती है कि बहुत सारी चीजें हैं तो ये ब्लाइंड विमेन के लिए है ये प्रोग्राम जहां पे हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके और जो जो हमें चीजें समझनी हैं समाज में या अपने लिए पर्सनली या होम होम मैनेजमेंट पे या कैसा भी कोई टेक्नोलॉजी है जो भी कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम की वो उस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होती हैं हम लोग मिलते भी हैं और अब तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है लगभग लग एक सौ पैंतालीस ऐसे वेमेन है तो वो एक दूसरे से सवाल पूछते हैं और पियर मतलब और वेमेन मैं अकेली नहीं हूं जो इसको इसको, इसको इसका जवाब देती हूं मैं सिर्फ मॉनिटर करती रहती हूं बीच में और जब मुझे कुछ कहना होता है मैं कहती हूं लेकिन ये जो है बहुत इससे बहुत लोग एम्पावर हुए हैं भले रिलेशनशिप हो भले कुछ भी हो मतलब बच्चे हैं बच्चों को कैसे पालना है तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस और उससे एक और चीज निकल के आई है कि बहुत सारी ब्लाइंड लड़कियां आप एजुकेट हो रही हैं एंड वो लोग इसी के प्रॉबेबली इसी के थ्रू वो मुझे जानने लगी हैं और वो भी छोटे छोटे ऑनलाइन मीट्स करती हैं फॉर वेमेन जस्ट फॉर वेमेन एंड गर्ल्स ब्लाइंड लड़कियों के लिए और वो मुझे जरूर बताती हैं अगर मैं उनको कहूँ कि देखो मैं आ, मेरे को लोग सुन के कितना सुन लेंगे आप और लोगों को बुलाए बोले नहीं मैम आप रहेंगी तो आपका जो एक्सपीरियंस है आप जिस रहिए वहां पे और जहाँ आपको लगे आप जरूर हमें एनलाइटन करिए तो उससे मुझे लगता है कि ये बहुत पावरफुल प्रोग्राम बन सकता है अगर रिसोर्स हो तो ब्लाइंड का हम खुद ही अपना अपने आप को एम्पावर कर लेंगे सो so, डिग्निटी इसीलिए हम डिग्निटी से जिएंगे आप एक बहुत ही पावरफुल पब्लिक स्पीकर हैं तो ये पब्लिक स्पीकिंग के पीछे आपका मकसद क्या है मेरा उद्देश्य एक ही है ब्लाइंड को और खास करके ब्लाइंड लड़की को नीची नजर से देखा जाता है उसको नीचे देखा जाता है अपने से बहुत कम देखा जाता है तो उसमें कोई अच्छी चीज नहीं है उसमें कोई क्वालिटी नहीं है है ना ब्लाइंड लड़की को पीछे छोड़ दीजिए राइट तो मेरा मकसद है कि मैं खुद ब्लाइंड फीमेल ठीक है और मैं खुद अ, मेरे अंदर जो भी गुण है मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जॉर्ज सर आपको मालूम है खाली क्लास टेन पास हूँ राइट बट कोई बात नहीं उसको पीछे छोड़ा बहुत कुछ सीखा आपने ऊपर बहुत मेहनत करी और जैसे आपको पता है मैं एरोबिक इंस्ट्रक्टर भी वहीं से मैंने अपनी जिंदगी शुरू करी थी तो मेरे पास जो कुछ भी मेरे को आता है मैं उस चीज को लेके पब्लिक स्पीकिंग इसलिए करती हूँ कि जो मेरे लिसनर्स होते हैं जो ऑडियंस होती है जो सामने सुनने वाले होते हैं वो ज्यादातर वो साइटेड ही नॉर्मल लोग जो अपने आप को कहलाते हैं वही होते हैं और जब मैं बोलती हूँ जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ तो उनका जो माइंड है उनका जो ब्लाइंड की तरफ को जो उनका माइंडसेट है वो एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट चेंज हो जाता है ब्लैक से व्हाइट हो जाता है कि ये भी हो सकता है वाह हम तो कुछ भी नहीं है मैडम तो वो एक जब किसी का दिमाग में एक चीज जब चेंज आता है तो सामने से कल को, को कोई भी विजुअली इंपेयर जाए तो उसको नकारेंगे नहीं एकदम से उसको देखेंगे और मैं बोल के आती हूँ कल मैंने लीडरशिप टॉक करी थी मैंने ब्लाइंडनेस को लेकर डाइवर्सिटी कुछ नहीं किया था सिर्फ लीडरशिप टॉक थी कल मेरी और एक बड़े कॉर्पोरेट में थी लीडरशिप टॉक सारे सीईओ से लेके सब लोग थे वहाँ पे तो एक ही चीज मैंने बोला और उन्होंने खुद इनफैक्ट ऑडियंस ने मुझे बोला कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है कोई विजुअली इम्पेय जी सो माइंड चेंज हो जाता है तो वो माइंड चेंज करना मेरा मकसद है और कुछ नहीं प्रीति आपने दो किताबें भी लिखे हैं जी तो ये किताबों का नाम क्या है इसका कंटेंट क्या है और आज के तारीख में जो लोग बहुत कम किताबें पढ़ते हैं तो ऐसे माहौल में आपको किताब लिखने का सोच कैसे आया <laughs> सोच पहले मैं बताती हूँ किताबों का नाम है पहली किताब मेरी पब्लिश हुई थी आ, 2012 में रोली बुक्स ने पब्लिश करी थी उसका नाम था अदर सेंसेस जी और दूसरी किताब इसी किताब के फीडबैक से मुझे बहुत लोगों ने पढ़ के उसको फीडबैक दिया था कि मैम आपने पूरी तरह से अपना जो चैलेंजेस हैं वो ठीक से नहीं लिखे हैं जी। <laughs> आपको दोबारा लिखनी पड़ेगी आप यू नो डू इट अगेन तो फिर मेरा हमेशा बचपन से सपना था जब से मैं पर्सनल डेवलपमेंट फील्ड में गई हूँ और हे hey हाउस से पब्लिश होना मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था और मुझे नहीं लगता था कि मैं तो ऑर्डनरी पर्सन हूँ मेरे को कौन पब्लिश करेगा दलाल लामा जी की बुक वो पब्लिश करते हैं खुशवंत सिंह की बुक्स वो पब्लिश किए तो हु एम आई मैं कौन हूँ और मैंने फिर उनको भेज दी मैंने कहा कोई बात नहीं ईमेल था मेरे को ईमेल मिला मैंने भेज दी और उन्होंने कहा यस हम पब्लिश करेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तो ये दोनों की दोनों मेरी आत्मकथाएं मेरी ऑटोबायोग्राफीज हैं क्योंकि अब इतने सालों के एक्सपीरियंस को अगर मैं किसी को बताने लगूंगी तो वो बहुत मुश्किल है नंबर वन वीआई कम्युनिटी के लिए तो है ही है लेकिन मैंने ये किताबें सबके लिए लिखी हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम्स ब्लाइंड को आती हैं वो प्रॉब्लम्स हर एक को आती है हर एक के जीवन में आती हैं लेकिन लोग बोलते नहीं मैं बोल देती हूँ मुझे किसी मैं सच बोलती हूँ मुझे किसी से डर नहीं है मुझे कुछ छुपाना नहीं है तो उससे क्या होता है कि उससे सामने वाले पढ़ने वाले को ताकत मिलती है हिम्मत मिलती है इंस्पिरेशन मिलती है तो वही मेरा मकसद था और एक मकसद और था छुपा हुआ कि अगर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन है उनके आगे बच्चे होंगे तो कैसे जानेंगे अपनी नानी दादी को <laughs> <laughs> तो तो जानना चाहिए ना ये क्या चीज थी बिल्कुल। <laughs> <दिल्कुल. laughs> तो ये दो मकसद थे मेरे प्रीति बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे आज बात किया और आगे का आपका जो सोच है आपके कार्यक्रम है आपके एक्टिविटीज है Wish you the very best. Wish you and your team the very best. Thank you. This podcast was brought to you by Score Foundation.